मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। आज की अपडेट में आपका स्वागत है। बहुचर्चित दांडी यात्रा का आज उदयपुर में समापन हो गया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे दांडी यात्री ठाकुर शमशेर भालू खां की उपस्थिति में सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली उदयपुर पहुँचे और उन्होंने दांडी यात्रा की टीम के साथ और ठाकुर शमशेर भालू खां के साथ मुलाकात कर प्रेस के सामने ये घोषणा की कि दांडी यात्रा का समापन किया जाता है। सरकार और ठाकुर शमशेर भालू खां के बीच नौ बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था मदरसा पैरा टीचर्स के नियमितीकरण का, उसके बारे में जो समझौता पत्र है उसमें ये लिखा गया एक नंबर पॉइंट में कि 29/9/2021 तक इस पर निर्णय किया जाएगा। नियमित करने की कोई बात अभी तक नहीं हुई है, निर्णय किया जाएगा और तिथि आगे पीछे भी हो सकती है। 30 सितंबर 2021 तक पैरा टीचर्स को नियमित करना नहीं करना उस पर निर्णय होगा। दूसरा जो बिंदु था कक्षा 6 से 8 तक या कक्षा 1 में, कक्षा 6 से 8 तक किसी भी कक्षा में 10 से या उससे अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू के अध्यापक का पद स्वीकृत किया जाएगा और 9-10 में 15 या इससे अधिक होंगे तो, या विद्यालय में 60 या इससे अधिक होने पर, और कक्षा 11-12 में न्यूनतम 15 विद्यार्थी होने पर उर्दू व्याख्याता के पद सृजित करने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, चर्चा हुई है। ये 1 से 9 तक पॉइंट है जिसमें ज़्यादातर पर चर्चा हुई है। 4 नंबर में भी शाला दर्पण का मामला, उस पर चर्चा हुई है। अल्प भाषा प्रकोष्ठ गठन करने के बारे में भी चर्चा हुई है और सभी डाइट में उर्दू के पद स्वीकृत करने हेतु चर्चा हुई है। तो इसको समझौता पत्र नहीं कहकर हम चर्चा पत्र कह सकते हैं, और समझौता वार्ता नहीं करके इसको एक चर्चा हुई है डॉक्टर खानू खां बुधवाली और ठाकुर शमशेर भालू खां की टीम के बीच। हालांकि कल CMO में चर्चा होनी है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में टीम ठाकुर शमशेर भालू खां के साथ, उसमें फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन जो पत्र वायरल हो रहा है, जो डॉक्टर खानू खां बुधवाली और ठाकुर शमशेर भालू खां की टीम ने वायरल किया है, उसमें यह है 15 सूत्री कार्यक्रम नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, महाविद्यालय में उर्दू का पद रिक्त है तो उस पर सहमति बनी है और प्रस्ताव भेजने पर चर्चा हुई है। पूर्व में संचालित हुए उर्दू माध्यम के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को पुनः संचालित करने पर चर्चा हुई। हमने जो पाठ्यक्रम था और किताबें, आपने पिछली बार कहा था कि किताबें लेकिन मांगा, लेकिन नहीं है किताबें। आपके 5वीं तक तृतीय भाषा होती नहीं है मेरे भाई, कक्षा 1 से 5 तक तृतीय भाषा नहीं होती है। पिछली बार कहा था कि किताबें लेकिन मांगा, लेकिन नहीं है किताबें। आपके 5वीं तक तृतीय भाषा होती नहीं है मेरे भाई, कक्षा 1 से 5 तक तृतीय भाषा नहीं होती है, कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा होती है। प्राथमिक स्तर के 5वीं तक के विद्यालय उर्दू माध्यम के विद्यालयों को पुनः संचालित करने पर चर्चा हुई है। जबकि इससे पहले शिक्षा मंत्री महोदय, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि पहली से 5वीं तक उर्दू होती नहीं थी। तो या तो शिक्षा मंत्री महोदय को ये नॉलेज नहीं था कि पहली से 5वीं तक उर्दू होती नहीं थी, और नॉलेज था फिर अगर उन्होंने गड़बड़ किया तो ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो पूरे घटनाक्रम के बाद ठाकुर शमशेर भालू खां खुद सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपनी बात रखी कि ये जीत हो गई है। जय हिंद साथियों, आज 22 तारीख को हमारी दंडी यात्रा उदयपुर में है और यहाँ के सचिव स्तर के अधिकारी और डायरेक्टर ऑफिस के अधिकारी, कलेक्ट्रेट के ADM, JD अधिकारियों से और सरकार के प्रतिनिधि खानू खां बुधवाली व अन्य से हमारी वार्ता हुई और डायरेक्टर सौरभ स्वामी साहब से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बाद हमारा सहमति पत्र लिखित में हस्ताक्षर हो गया है, जो अब सरकारी डॉक्यूमेंट है और हमारी सभी मांगों के अलावा एक मांग और जो हमें पता नहीं थी वो जोड़ करके मान ली गई है। हम कल CMO पर टेबल टॉक करने जाएंगे, वहाँ पे हमारे जो अंदरूनी मसले हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप सब ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जीत हुई है, इनकलाब जिंदाबाद। अब जीत हुई है, हार हुई है, धोखा हुआ है,
ये आने वाला वक्त बताएगा। ठाकुर शमशेर भालुका ने अकेले पहले दिन अकेले अपने कुछ साथियों के साथ यात्रा शुरू की थी, इसलिए यात्रा को ख़त्म करने का निर्णय भी उनको और उनकी टीम को लेना था। यह अधिकार पूरी तरह से उनका था और उम्मीद की जा सकती है कि जो मांग लेकर वो चले थे समाज के लिए या कौम के लिए या सर्व समाज के लिए, उनको सरकार पूरा करेगी और किसी भी तरह की चालाकी इसमें नहीं होगी। इस समझौते के बारे में अलग अलग तरह की लोगों की चर्चा है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि ठाकुर शमशेर भालुका और राज्य सरकार के बीच जो समझौता हुआ है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे बोलता राजस्थान। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।